मिशन साइंस क्लब गुना के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में विज्ञान आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा प्रयोग दिखाए गए और उनके कारणों पर भी प्रकाश डाला। महान मानवतावादी वैज्ञानिक मैडम क्यूरी और चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बात रखते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीराम सेन ने बात रखते हुए कहा कि रेडियम, रेडियो एक्टिविटी, थोरियम की खोजकर्ता और 2 बार की नोबेल प्राइज पाने वाली मैडम क्यूरी और रमन प्रभाव की खोज करने वाले नोबेल प्राइज और भारत रत्न से सम्मानित सीवी रमन से सीख लेकर हमें भी विज्ञान को जानना, समझना और उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करना चाहिए। मैडम क्यूरी ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए रेडियम जैसी खोज समाज को समर्पित की, जिसका इलाज कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में किया जाता है, और उसे इसीलिए पेटेंट नहीं कराया कि इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जा सके। आज मोशन साइंस क्लब गुना के द्वारा यहाँ क्रमांक 2 स्कूल में एक साइंस डिस्कशन का आयोजन किया गया है। विगत 7 नवंबर को मैडम क्यूरी, जो महान वैज्ञानिक हुई हैं, और सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन दोनों की जयंती थी, और इस उपलक्ष्य में पूरे महीने भर हम लोग एक साइंस मंथ मना रहे हैं, विज्ञान माह मना रहे हैं, और विज्ञान के बारे में, विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में छात्र छात्राओं की एक बेहतर समझदारी विकसित हो पाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्कूलों में, कोचिंग्स पे, कॉलेजेस के अंदर कुछ साइंस डिस्कशन हो पाए। तो आज यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम और एक साइंस डिस्कशन हम लोगों ने रखा है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कुछ प्रयोग तैयार किए हैं, वो दिखाए हैं और कुछ चर्चाएँ होंगी।